माय डियर ELTNs, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको पूरा टूर कराने वाले हैं चॉकलेट फैक्ट्री का, रियल टाइम चॉकलेट फैक्ट्री का। आपके लिए बहुत सारे टिप्स हैं। ये वैसे तो बहुत छोटी जगह है, लेकिन आप धीरे धीरे सब कुछ सुनेंगे, समझेंगे। इसके लिए आपको चाहिए 2 घंटे मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी घंटे आप लगा सकते हैं, दैट इज़ फाइन। अगर आप अपने बच्चे के साथ आए हैं तो आप प्रैम लेकर आइए, प्रैम चढ़ाने की जगह है सब जगह पर। और आपको टिकट के साथ एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, सबसे अंतिम में बहुत सारा चॉकलेट खाने के लिए मिलेगा और ले जाने के लिए भी मिलेगा। तो माइंड इट, बिग पॉकेट्स, यू नो, क्योंकि आप यू नो उस समय नहीं खा सकते। एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे, बाहर से ही आपको इसके एसेंस फील होने लगेगा, क्योंकि चॉकलेट चॉकलेट एंड डेकोरेशन डेकोरेशन इज एवरीवेयर। ये देखिए, हम यहाँ पहुँच गए हैं और कितना बड़ा बिल्डिंग है। वाह, जिन लोगों को चॉकलेट पसंद है भाई, होम ऑफ शोकोलारे। तो सबसे पहले हम अपने राहुल को और रुपिन को अंदर भेजते हैं, और अब आ गई हमारी बारी। चॉकलेट चॉकलेट खुशबू आ रही है, क्यों पता? वो देखो माय डियर बडीज एंड फ्रेंड्स, ये देखिए, इतना बड़ा चॉकलेट तो हम पहले नहीं देखे थे, एकदम रियल है। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड अ यूट्यूब शॉर्ट्स ऑफ दिस वीडियो विच इज अमेजिंग। 3 टिकट बच्चे का फ्री है, ओके। एडल्ट्स का है 15 फ्रैंक ईच, ओके। इसमें कोई स्विच पास नहीं चलता है। हाँ हाँ, उसने बोला आप जितने चाहे उतने सैंपल ट्राई कर सकते हैं। और ये देखो, क्वाइट बिग इट इज, है ना, बहुत बड़ा। तो रुपिन को हम लोग चॉकलेट खिलाने वाले हैं। रुपिन चॉकलेट खाने के लिए एकदम रेडी है। चॉकलेट, हाँ, you like it? My dear ELT family, you are going to do the chocolate tour with your explore life tour. ये देखिए, ये है आपका चॉकलेट टूर, ये ऑडियो गाइड है। अब इसको कैसे करते हैं, हैंडसेट को ले लेंगे और उसके बाद होल्ड द ऑडियो गाइड इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग ऑफ योर लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर। टू गेट एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन, होल्ड द ऑडियो गाइड इन फ्रंट ऑफ द रिस्पेक्टिव विस्क सिंबल्स ड्यूरिंग द चॉकलेट टूर। ओके, चलो हम लोग और चॉकलेट खाएंगे। I'll give you more chocolate. अब ऐसा है कि यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना है, लेकिन जो लोग प्रैम लेकर के आए हैं, लिफ्ट चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। बड़ा तो बहुत है, लेट्स सी कितने फ्लोर तक है, क्या है। रुपिन रुपिन, चॉकलेट यू एट, यू लाइक्ड इट? Like it. So you want more chocolate? Okay, more chocolate. Look at mama. You want more chocolate? Okay, more chocolate. Okay, let's go. We'll get lots of chocolates. अब हम यहाँ लिफ्ट से बाहर निकल के आए, और रुपिन ने जो चॉकलेट खाया उसका तो पूरा फैक्ट्री आ रहा है भाई। यही है चॉकलेट टूर। तो हमने स्कैन द टिकट किए, हमारे गेट खुल गया, हम अंदर आ गए, और यहाँ से हम अंदर। Thank you so much. Hier werden Sie auf der Chocolate Tour begleiten. Take an audio guide and let us guide you. Whenever you point your guide to a risk symbol, we will tell you interesting facts, exciting secrets, and fascinating stories. Hundreds of Swiss chocolate with us. हम चॉकलेट के पेड़ों के जंगल में घुस गए हैं। अगर किसी को चॉकलेट के बारे में एंड टू एंड डिटेल जानना है तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द प्लेस। लोग विस्क सिंबल पे अपना ये गाइड चिपका के और सुन रहे थे, तो ये सुनिए आपको कैसा सुनाई पड़ता है। ये कच्चा वाला चॉकलेट है, जो उसका कोको ट्री होता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और इस पे
अगर आप स्विट्जरलैंड आए हैं और आपने चॉकलेट की हिस्ट्री नहीं जानी तो फिर क्या फ़ायदा. फ्लावर्स एंड पॉट्स, ब्यूटीफुल बुक चेप. I feel like doing a lot of chop. Soy and root. जिन लोगों को उगाना है चॉकलेट वो थोड़ी मेहनत करें इस जगह आने की. And I dedicate this video to my Soma ma'am, because ma'am, when you come here, you definitely feel very good. Spread the beans evenly on a drying table. Wow! वो देखो कैसे गांवों में लोग करते हैं, उसके लिए भी फोटोज वगैरह बनी हुई है. इतनी मेहनत से उसको निकालते हैं, रियल टाइम ऑर्चर्ड. फिर हम आए और ये एक, ये पूरा का पूरा गांव है जो चॉकलेट का काम कर रहा है. लोग बैठे हुए सुन रहे हैं. ये देखो ये सारी चीजों से चॉकलेट बनाया जाता. क्वाइट ओल्ड, बहुत पुरानी संस्कृति है भाई. लग रहा देख के मेसो अमेरिका. These are the vessels used. People are using. European aristocracy and noble middle class. Wow. अरे वाह, अच्छा वहीं मिलता था क्या चाहते हैं? Working class, and that was the chocolate house. Thank you. ये जो पूरी वो है ना, वो देखो, मतलब ये जो पूरा सिनारियो है, बताया जा रहा है कैसे चॉकलेट बनता है, कैसे पीसते हैं, कैसे चॉकलेट मिल्क बनाते हैं. इट इज़ रियली वेरी गुड. पूरी की पूरी टेबल में से आप किसी जगह पे खड़े हो जाइए, ये देखिए आपको बताएगा, बुक में से देखो, रेसिपी प्रिपेयर करो, है ना. फिर वहाँ कितना अच्छा लग रहा है ये सब. फिर उसी तरह से आप मान लो यहाँ पे आते हैं, दैट्स काइंड ऑफ अ सेंसर इन लगा हुआ. अगर हम यहाँ आए तो ये अपना एक्टिविटी शुरू कर देते हैं. रियली नाइस. ये खा के ख़त्म हो गया. अब ये देखो,
अब चलिए हम दूसरे रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या है। अब ये देखिए, ये जो रूम है इसमें पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड है और उसका माउंटेंस कौन कितने हाइट पे है, पूरा विलेज कौन से कैसा दिखता है। ये स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही बड़ा क्वालिटी है, आप कहीं पर भी जाइएगा तो स्विट्जरलैंड के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ रहता है। और साथ में ये जो चॉकलेट किसने बनाया, कौन सी रॉयल फैमिली होती थी जिसने सबसे पहले ये सब शुरू किया, इसका व्यापार शुरू किया, प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ। हम लोग बहुत दूर से आ रहे थे तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लेते हैं और हम अपना थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे थे। हमने देखा कि बहुत सारे ग्रुप्स ने गाइड्स हायर किए हुए थे और वो गाइड काफ़ी अच्छे से सबको बता रही थी पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड। और ये सारा जो कितना सुंदर बना हुआ है, स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों का फोटो और वो कब कितने ऊंचे हैं वो सब कुछ दिखाया हुआ है। और साथ में ये कितना सुंदर चॉकलेट हाउस के अंदर हिस्ट्री। आई एम वेरी पुअर एट दैट, लेकिन आपको बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिलेगा। लुक एट दिस वन, बिजनेस और लैबोरेटरी है, ये फैब्रिकेशन हो रहा है, ब्यूरो है। इनिशियल डेज में जो मशीन्स यूज़ की जाती थी उसका एक बड़ा डेमो पीस भी बीचों बीच रखा हुआ था, विच वॉज स्पेक्टेक्युलर टू सी। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट डाई यूज होता था। हाँ, इस टाइप का डाई यूज होता था। वहाँ पे कितना पुराना है। वाओ रुपीन, ओह माय गॉड, दैट्स टू ओल्ड। और कितने जमाने पहले से, ये देखो ढांचा देखो। है राहुल, और ये सिंगल है, एक एक सूखता होगा, कितनी मेहनत से बनाते होंगे। चलो है? हाँ बहुत पुराना है, बहुत बहुत पुराना, देखो। चलो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, तो ये था, ये एरिया है 1900। फिर सेकंड वाला आते हैं 1900-1950, वी गॉट अ लिटिल प्रोग्रेस ऑन दिस। और ये सारी मशीनरी है, यहाँ देखो तो राहुल थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ ना, टॉब्लरोन आ गया ना। हाँ उसका ये तो है, हाँ सेम है, बहुत सुंदर। और वहाँ पे लिंडोर भी, चलो आगे चले। 1950 से 1980 में पहुँचे, यहाँ थोड़ा और एडवांस हो गया है। राहुल इधर आना, और बहुत अल्फाबेट्स वाले भी बनने लगे, फिर बहुत नंबर ऑफ नंबर एट अ टाइम। दे अभी तक के लिए ये इतना डिजाइनर, देखो आजकल का है ये, है ना। लेकिन ये देखो रैबिट वाला कुछ चेंज हुआ, और ये लिंडोर हम लोग अभी खाते हैं, ये वाला लिंडोर है ना, ये सब मिलता है हम लोग को। और टॉबलर, चॉकलेट का प्रोग्रेस तो देखा ओवर ईयर्स, और अब आ गए हैं हम एक बड़े से लेबोरेटरी में जहाँ पे इसको बनाया जाता है। ये है फैक्ट्री यूनिट, आप देख सकते हैं सारी तरह की मशीनरी यहाँ पे लगाई हुई है। ये रियल चॉकलेट है, गिर रहा है चॉकलेट, दिखाई दे रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। अब यहाँ से हम लोगों को चॉकलेट टेस्ट करने के लिए मिलेगा चॉकलेट। हाउ इज दैट, यू लाइक इट? कैसा है राहुल? बहुत मीठा और हॉट है एकदम। ये वाला हाँ, कि आपको यहाँ पे ये सारे स्पून्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे चॉकलेट है और आप टेस्ट कर सकते हैं, एकदम गर्म है। तुम लोग खाओ। यहाँ पे भी है चॉकलेट, बहुत अच्छा बना के नहीं, इसको तोड़ के दिखा रहा है और खा के चॉकलेट का।
सो यम्मी। इस जगह पे रखी है चॉकलेट एकदम से भर भर के और लोग टेस्ट कर रहे हैं। द स्ट्रॉबेरी रियल टाइम, ये है पेपर, आमंड, सिनामन, हेजलनट, कॉफी, तो कोकोनट है, अदरक की हुई, ऑरेंज वाली है, लाइम, पेपरमिंट, और ये क्या है, वैनिला। आज तक आई नेवर सॉ वैनिला। ये देखो ये जो चॉकलेट है ये इधर से आ रहा है, यहाँ पे आया और ये पूरा बता रहे हैं प्रोसेस कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे चलता है। अलग अलग चॉकलेट्स का अलग अलग तरह का प्रोग्रेस बता रहे हैं, बड़ा मस्त लग रहा था। यहाँ पे देखो फिर यहाँ से उस पे चॉकलेट गिराया जा रहा है और फिर और पूरा सेट हो जा रहा है, फिर इनको फ्रीज किया जा रहा है और लास्ट में ये चॉकलेट निकल रहा है। देखो अंदर गया, अब राहुल हाथ लगाएगा। कैसा राहुल, बुच्चू को दो ना, खाओ ना, खाओ इटी बेटा। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर किड्स, आई एम इन लव विद दिस प्लेस। आई थिंक फॉर द होल वीक आई वॉन्ट ईट एनी मोर चॉकलेट, सो माई गॉड आई एट लाइक एवरी सिंगल पीस ऑफ एवरी प्लेस। राहुल, राहुल तुमको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, ऑरेंज वाला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। द बेस्ट वन इज ऑफ ऑरेंज। नाउ हम लोग आ गए हैं गैलेक्सी में, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये एक डार्क जैसा रूम था और उसमें भी डिटेल्स बताए हुए थे कि अर्थ पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चॉकलेट का इवोल्यूशन हुआ है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेस थी, लेकिन रुपिन यहाँ बहुत बदमाशी कर रहा था तो हम लोग फटाक से यहाँ से बाहर आ गए। और फिर अब आ गए हैं इस रूम में, डिस्कवर द फाइनेस्ट चॉकलेट्स, चॉकलेट हेवन इंडीड। ये जो वर्ड लिखा हुआ ना चॉकलेट हेवन, ये सच लिखा हुआ है एकदम। My God. अरे ये क्या, ये तो बड़ा ही मजेदार प्लेस था, यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। अब पहली बार में तो बहुत अच्छा फोटो नहीं आया, तो फिर भी हमने एक सेकेंड ट्राई मारा और वहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम था, उसमें सबके फोटोज़ दिखाई दे रहे थे तो हम वेट भी कर रहे थे कि हमारा फ़ोटो भी आएगा, लेकिन आया नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लग रहा था। यहाँ पे हमने अपनी डिजिटल फ़ोटो खिंचवाई है, बहुत ही गंदी वाली, लेकिन वो हमने अपने जीमेल पे भेजा भी है, अपनी मेल आईडी पे आप भेज सकते हैं, इसीलिए वो भी चाहे कितनी भी लंबी लाइन लगी हो आप ज़रूर खिंचवाना वो फ़ोटो। माय डियर डियर गर्ल फ्रेंड्स एंड बॉय फ्रेंड्स एंड अंकल आंटी, आप सबको यहाँ पे आना है अपने अपने बच्चों को लेकर के और बहुत सारे चॉकलेट्स खिलाने। वो कैरमल, ये हाउ मेनी यू टुक? ओनली वन वन, ओके ओके इट्स ओके इट्स ओके, फाइन फाइन यू टुक इट्स फाइन। हाउ इज दैट, वेरी नाइस। नाउ द किड इन मी is going to collect as many chocolates as I can. बड़ा मज़ा आ रहा था। अब आपको एक पते की बात बताएं, लिखा हुआ तो है इसमें अलग अलग फ्लेवर्स, हमने कलेक्ट भी कर लिया, लेकिन जब घर पे आकर के खोल के देख रहे थे ना तो ज़रूरी नहीं था कि जिस पैकेट में जो लिखा है वही उसका फ्लेवर था, बट अब याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमने क्या किया। बाय। बस वही था लास्ट जहाँ पे हम लोगों को चॉकलेट मिल रहा था, अब हम बाहर आए हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये गाइड जो है ये इस पूरे ग्रुप को प्रॉपरली समझाए हुए है, लेकिन हमारे लैंग्वेज में नहीं बात कर रही थी। तो फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि अंदर में कुछ काम चल रहा है और रियल टाइम फैक्ट्री लगी हुई है। लोग मशीन्स देख के भी खुश होते हैं, जिन लोगों को मशीनरी पसंद होती है। यू कैन सी द न्यू रेडीमेड चॉकलेट्स देयर, दे केप्ट इट वहाँ पे रखा हुआ है।
और लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली में, ये असली का फैक्ट्री है, हाँ यूनिट है, वर्किंग यूनिट जिसपे डिस्प्ले पे ही लगाया हुआ है। बहुत अच्छा एक वो है, क्या बोलते हैं टेक्निक, कि ये आप देखिए भी कि कैसे बन रहा है ओरिजिनल और अंदर में काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है मतलब कुछ चीज़ रुका हुआ नहीं है, है? कुछ मतलब डेमो काइंड ऑफ नहीं है, नहीं है अलग से, मतलब आपके लिए कुछ नहीं बनाया हुआ है, लोग अंदर में काम कर रहे हैं, आप देखिए। अब आप क्योंकि चॉकलेट फैक्ट्री में आए हैं तो आपकी वजह से कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, मतलब ये लाइव चल रहा है, लाइव इसमें रियल का चॉकलेट बन रहा है और आप एकदम देख सकते हैं और यही वाला चॉकलेट आप खा भी सकते हैं। मतलब मेरे दिल से ये बात कह रहे हैं हम कि अभी तक हम जितने भी ज़्यादा म्यूजियम्स जहाँ कहीं भी देखे हैं, ये उसमें से सबसे बेस्ट है। आई रेट इट टू द टॉप मोस्ट नंबर वन। ये लोग जो है ये देखो ये चॉकलेट पैक कर रहे हैं और ये भेजा है इन्होंने, और फिर आया राहुल इज वेटिंग। ये हाँ हाँ एक और करो ना, वन मोर प्लीज। तो दूसरे यूनिट भी बना हुआ था अलग अलग स्टाइल का, हम उसमें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। हम अपने टिकट को यूज़ करके यहाँ से भी छः, मतलब हम तीनों का तीन तीन छः अलग अलग चॉकलेट्स निकाल सकते हैं। अब आप लकी होने चाहिए अलग अलग फ्लेवर के लिए, ज़्यादा तो हमारा फेवरेट आ रहा था ऑरेंज वाला। ये जगह थी हमने निकाला बहुत सारा चॉकलेट और यहाँ पर आपको एग्जिबिट हो रहा है, चलिए हम चलते हैं। ओ, बस हम निकल गए स्कैन कर रहा है। तो यहाँ पर हम अपनी मशीन स्टैंड रखो रखो से बाय 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 मोबाइल। सेम लिफ्ट लेके हम जब नीचे आए तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह थी जिसमें हम खड़े होके अपना फोटो खिंचवा सकते थे। सो हियर इज अ फोटो बूथ, राहुल और रुपिन फोटो खिंचा रहा है, देखते हैं ये लोग का फोटो अच्छा आता है कि नहीं। बहुत ही अच्छी फोटोज आ रही थी, गुड क्वालिटी फोटोज। आप जब घूमने आए हैं तो सामने वाले की हेल्प भी कीजिए और उनकी हेल्प ले भी सकते हैं। खुद से फोकस करके हमने फ़ोटो खींचा, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमने यहाँ स्पेंड किए और बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले। लेकिन सैड पार्ट पता है, जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमारा वो फ़ोटो ही छूट गया। यहाँ से मिला चॉकलेट, अरे चॉकलेट मिल गया और यहाँ से मिल गया फोटो, ये बहुत मस्त। चलो हो गया राहुल, हो गया। ये जगह बहुत अच्छी जगह है, आप लोग सबों को आना चाहिए क्योंकि अगर आप स्विट्जरलैंड आए हैं तो चॉकलेट तो जरूर आना चाहिए देखने के लिए। ये है लिंक शॉप, बहुत तरह का चॉकलेट्स आप जितना खरीद सकते हैं और ये एकदम ओरिजिनल बनाया हुआ, यहीं का बनाया हुआ और यहीं पर। हम आपको दाम दिखाते हैं, 100 ग्राम 790 है ना, तो ज़्यादा नहीं है ये दाम। और ये देखो 1095 का, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो राहुल ये ऐसे वाला 1995 का। इट्स जस्ट दैट वी डो नॉट ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स। लेकिन चलो अब हम दिखाते हैं आपको उस चॉकलेट का दाम जो हमें लिया है बहुत सारा। यहाँ पे देखो, सुनो ये पैकेट आप उठा सकते हैं, पिक मी भर सकते हैं। अब तुमको चार्जेस देखना है, लेट्स सी इसके चार्जेस क्या है। इसका 100 ग्राम 4.5, मतलब ये एक पीस नहीं है। हाँ, 100 ग्राम 8 balls। देखो क्लियर बैग, 3 paper bag, और ये सब भी आपका 395 में है। तो सुनो मेरी बात, हम अभी यहाँ बाहर जा रहे हैं ना, मतलब चॉकलेट का भरमार लगा हुआ है, देखो ना वही वाला है, लेकिन बस ये
आप ये सारे चॉकलेट्स ले सकते हैं, ये सारे पैकेट्स ले सकते हैं और पैकेट में चॉकलेट भर सकते हैं और एकदम बना सकते हैं आप अपना। ये वाला चॉकलेट भी है जो निकल रहा था वहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ओ भाई, ज़िंदगी चॉकलेट चॉकलेट हो गया। आई थिंक ये इस फैक्ट्री का अंतिम पड़ाव था और यहीं से हम लोगों को एग्ज़िट करना था। आप वापस से भी जा सकते हैं, अंदर में वॉशरूम्स वगैरह यूज़ किए हमने वापस जाके। होम ऑफ चॉकलेट से निकले और सामने में हमारा ये है बहुत ही बढ़िया वाला व्यू। बहुत ही इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत टॉप क्लास है, हर जगह से बसेस चलती है। आप सब लोगों को यहाँ पे जाना है फॉर श्योर, बहुत सारा चॉकलेट मिलेगा। हर बार आप जो भी कुछ करेंगे, चॉकलेट खरीदेंगे तो चॉकलेट मिलेगा, फ्री का भी मिलेगा, फोटो खिंचवाएंगे तो चॉकलेट मिलेगा, चॉकलेट खाने के लिए मिलेगा, लिक्विड चॉकलेट देखने के लिए मिलेगा। ओह, ये दुनिया ही चॉकलेट चॉकलेट हो जाएगी आपकी। इट वॉज सो फन, इट वॉज सो फन। एंड यस, टिकट जो उसका लगा ना, हमको लगता है मोर देन हम लोग ने उसका वसूल किया है। आई रियली फेल्ट गुड। सो गाइज, प्लीज प्लीज डू कमेंट इन द वीडियो, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो। आई टोटली बिलीव दैट यू लाइक इट अ लॉट, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर ऑफ माई वीडियोज प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। दिस इज वर्थ विजिटिंग और चॉकलेट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जब तक हम दोबारा अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।